आजा मैं खलाऊं, मैं उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं एक ऐसे ऐप के बारे में जिसकी मदद से आप किसी भी जगह के रेडियो स्टेशंस को, किसी भी रेडियो स्टेशन से किसी भी तरह के न्यूज़ को या फिर वहाँ के लोकल म्यूजिक को आप सुन सकते हैं बिना ईयरफोन इससे न केवल आप एक न्यूज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बल्कि इससे आप उस क्षेत्र के, उस एरिया के लोकल रेडियो स्टेशंस के बारे में जान सकते हैं। आप किसी और जगहों के बारे में अगर जानना चाहें, किसी और जगहों के लोकल स्टेशंस के बारे में जानना चाहें, तो आप जान सकते हैं। जैसे गोरखपुर इंडिया 4:04 रेडियो मंत्रा, वैसे आप गोरखपुर के दूसरे स्टेशंस को देखते हैं। दूसरा स्टेशंस झुंझुनू, ये गोरखपुर का नहीं कहीं और का है, दिल्ली का है। गीतम तमिल रेडियो, ब्रह्मांड रेडियो, बॉक्स आउट एफएम, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी कश्मीर रेडियो दिल्ली, मलयालम रेडियो, न्यू मिर्ची मिक्स। आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी रेडियो स्टेशंस को इस ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ना केवल एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि आप वहाँ के किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ एक स्टेशंस के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन है फ्रांस FR, तो ये तुरंत आपको फ्रांस में लेके चला जाएगा। जितने भी सारे ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अर्थ से निकलने वाले सभी रेडियो स्टेशंस के प्लांटेशंस को दिखाया गया है। इस ऐप से आप ये देख सकते हैं कि हमारे अर्थ के चारों तरफ हर जगहों पर कितने सारे रेडियो स्टेशंस लगाए गए हैं। देखिए कितने सारे रेडियो स्टेशंस हैं। ये सारे रेडियो स्टेशन से निकलने वाले रेडियो वेव्स जो हैं हमें रेडियो के बारे में बताते हैं, और रेडियो के फैलते एक्सपेंशन को और समाज में बढ़ते हुए वर्चस्व के बारे में जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं ये, जैसे कि हम तमिलनाडु, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, बाकी जगहों पर जा रहे हैं। जैसे ही हम भारत से हटते हुए बाकी के देशों में जाएंगे, हम वहाँ के भी रेडियो स्टेशंस के बारे में जान सकेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ का स्टेशन है, ये साउथ कोरिया सियोल। आप पूरे वर्ल्ड की देख सकते हैं। अब मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा कम करके आपको सुनाना चाहूँगा, देखिए कि कहाँ के स्टेशंस में क्या कैसे सुनाई देते हैं। जैसा कि आप सुन सकते थे कि सारे चैनल्स को आप देख सकते हैं, आप उसके बारे में जान सकते हैं, आप सभी जगहों के रेडियो स्टेशंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसकी मदद से आपको किसी भी प्रकार के ईयरफोन्स की या फिर किसी भी तरह के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं। आप एक बार केवल इंटरनेट से बस कनेक्टेड हों, उसकी मदद से आप सारे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, सारे रेडियो स्टेशंस के लाभ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। साथ ही ये ऐप एडिटर चॉइस ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे रेडियो गार्डन नाम से ये ऐप अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड के बाद आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद से ऑटोमेटिकली लोकेशन एक्सेस और परमिशन एक्सेस के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। यह ऐप पुराने लोगों के लिए या नए लोगों के लिए जो रेडियो के बहुत बड़े फैन हैं या जो रेडियो के माध्यम से अपने आप को समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो इस ऐप का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।